किसान खेती नहीं करेगा तो कितने भी बड़े से बड़े रहे मोदी जी योगी जी वो भी खाए बिना मर जाएंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ। हम पंजाब लुधियाना से आंगनवाड़ी में काम करते हैं और मुलाजम जूनियर में हम डिस्ट्रिक्ट की सीनियर मीत प्रधान हैं। तो कोई वर्दी के पैसे नहीं जा रहे, कोई फ्लेक्सी फंड नहीं जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं जा रहा है सेंटर से। हमें मेन जो हमारी मांग है कि हम मिनिमम वेज चाहते हैं कि हमारा मिनिमम वेज किया जाए 26,000 हमारा आंगनवाड़ी वर्कर का और 18,000 हमारी हेल्पर का। और उसके बाद हम ग्रेच्युटी की मांग करते हैं, पेंशन की भी मांग करते हैं। हमें 35 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। इवन के 18 साल की किशोरी की भी हम देखभाल करते हैं, नर्सिंग मदर की करते हैं, प्रेग्नेंट मदर की हम केयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इतना काम करते हैं कि कम से कम हमें मिनिमम वेज तो मिले ना। आंगनवाड़ी में जो महिलाएं ही काम करती हैं, आशा वर्कर भी महिलाएं हैं और जो मिड डे मील वाली हैं वो भी महिलाएं हैं, इसीलिए ज़्यादा गिनती में महिलाएं आ रही हैं। और महिलाएं आजकल जो हैं जो पुरुष हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, घर में भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। सभी काम महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती। इसीलिए महिलाओं की तादाद ज़्यादा है क्योंकि सभी फील्ड में, नरेगा में, मिड डे मील में आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर और जो भी है महिलाएं सब काम करती हैं, इसीलिए महिलाएं ज़्यादा। जब से ये मोदी सरकार आई है हम तो परेशान ही परेशान है। जयपुर से आई हूँ, मैं हाउस पिकिंग का करती हूँ। समस्या है मैम, 10,000 रुपये में न घर का चलता है, न बच्चे को पढ़ाई कर सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। और आज दिन में दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, घर का चूल्हा ही नहीं जलता तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। हम गरीब लोग 10,000 रुपये में क्या खाएंगे और क्या पढ़ाएंगे और क्या बच्चों को एजुकेशन देंगे, क्या करेंगे। हम जहाँ पे रहें ठेका वर्दी बंद कर दे, आधा पैसा ठेकेदार ले जाता है, आधा पैसा हमको मिलता है, आधे पैसे में हमारे पार नहीं पड़ती है। हम 20 साल हो गई बुढ़ापा आ गया यहीं काम करते करते, लेकिन ये कुछ भी बदलाव नहीं आया। वो के वही हैं, पहले 6,000 रुपये में कर देते, आज 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम कल शाम को निकले थे, अब सुबह आके पहुँचे हैं, अभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं धूप में अभी। और हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है हमारी, सिर्फ इतना सा करें कि मेहनत वाले को पूरा मेहनत अनाज मिल जाए। ज्योति 20 मैं स्टडी करती हूँ। हम लोग की मांगे ये है कि किसान को उनका वेतन सही से मिले, उनको रोजगार मिले, जो बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको रोजगार मिले। हम लोग खेती करते हैं, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी रही है वो भी वो किसान ही थे, खेती करते आए हैं, खेत नहीं है फिर भी खेती करते थे किसी और का लेके, पर खेती करते रहे। अब अगर कोई किसान खेती नहीं करेगा तो कितने भी बड़े से बड़े रहे मोदी जी योगी जी वो भी खाए बिना मर जाएंगे। हम लोग खेती करते हैं, हमारा राशन ही लेके हम लोग को ही बेचते, वो तो अच्छा होगा कि हम लोग को हमारा हक दे। ये रैली मेरे पापा इस पार्टी को ज्वाइन किए, उनको बहुत साल हुए और जब भी ये पार्टी होती है ये रैली निकलती है मेरे पापा को सूचना आती है तो पापा बोले कि नहीं इस बार चलेंगे। मेरे पापा हर जगह जाते हैं, उनका तबीयत अच्छा नहीं है फिर भी वो आए, हिम्मत किए आए। जिला गाजीपुर से आ रहे, थाना बहरियाबाद है। हम लोग का घर गिराने के तैयार है, एक हालत 2016 में हमारा घर गिरवा दिया। डीएम साहब बोले कि नहीं तुम्हारा कागज पक्का है, जहाँ पर रहेगा वही जगह मिलेगा। अब फिर भी बाबू साहब हमारा घर गिरवाने के कुल 8 यादों लोग के बेच दे ले जमीन, उसी में हमारा घर है। हमारी कहीं भी जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती है। और तहसील में का जितना कर्मचारी है नेपाल है उल्टा रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं। 12 परिवार है, 12 बच्चे है, हम लोग इतना लाचार हैं, इतना परेशान हैं कि हमारी कहीं मदद कोई नहीं करते। मनिहारी अड़ीला गांव से, हमके दिक्कत है ई साहब कि ना हमारे के खेती है ना गृहती है, का बच्चर के खियाएगा का पढ़ाएगा। देखते थे बच्चा हम कहता नहीं हमारे का कर जाए, बच्चर के खिया जाए कि हमारे का खा जाए साहब, हमारे के हाथ जरिया कि हमारे के खेत गृहती मिले के चाही। हाँ हाँ ये हमारे करीबो ना चक्रोट हमारे के साहेब ना पतोई के लाद लाद के ले जाती है तो हम बच्चा पैदा कराती है कानी पर और सबका दुलही घर में आती है हमारे दुलही तो
दू बस दूरे से आवत है साहब बताई हाँ अड़िया गांव में ऐसा ऐसा कुल बात है साहब हमार का कुल मिले के चाहिए। मेरा नाम मीरा कासिया है, मैं डिंडोरी जिले से हूँ MP से। हमारी ये मांगे थी हमको नियमितीकरण किया जाए, हमको वेतनमान दिया जाए, एक मतलब स्थाई बनाया जाए स्थाई कर्मी। हड़ताल के दौरान आश्वासन दिया गया था कि आप अपनी हड़ताल वापस ले लो और आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन आज तक 2021 से हो गए, आज तक मंत्री ने कोई सुध नहीं ली हमारी। हम आसाम से ज़्यादा लोग आया है, स्कूल टीचर है, हैं या आंदोलन में मोदी जी के जी नीति जन विरोधी नीति, इस नीति के लिए हम क्षुब्ध होता है। समस्या बहुत ही मैडम, समस्या कैसे मानधन पर काम होता है, कैसा APL BPL भी होता है और औरत के साथ भी जाना पड़ता है डिलीवरी के वास्ते, बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी समस्या होती है। कौन सी आरोग्य सुविधा नहीं है, भाड़ा नहीं है, एम्बुलेंस में जाकर हमारा भाड़ा हमें देना पड़ता है, ऐसी समस्या है कि कैसे बता भी नहीं सकते। इस वजह से हम इतने राज्य छोड़ के या दिल्ली में आए मोर्चे के वास्ते। हाँ, कर्मचारी के दशा हो, पेंशन लागू हो, कैसे जो सरकारी कर्मचारी की जो सुविधा होती है हमें वो मिलनी चाहिए। हम सब हमारे PSA में 42 आशा काम करते हैं हम, और हम अकबरी मोहल्ले क्षेत्र में काम करते हैं, मुसलमान एरिया पूर्ण, पर उसके जैसे APL BPL जैसा सामान होना चाहिए। हमारी आशा बहना सब काम करते बराबर में, उसका उसको टेंशन नहीं, पर जैसे मानधन के जैसे हिसाब से हमारा बहुत कम है, तो किमान वेतन 18,000 होना चाहिए। पॉजिटिव पेशेंट को हमको 14 दिन तक जैसा वो सर्विस दी हमने, पर उस पर कुछ पैसे नहीं मिले हमको। कि तुम भी कोरोना के साथ रहते हो, कोरोना वाले लोगों के साथ रहते हो, हमारे परिवार वाले को भी कितना डर लगता था, सब लोग हमारे ये करते थे कि तुम भी समझ से बाहर रहो, मगर हम उसकी सेवा कैसे करें। मैं आशा वर्कर हूँ, जिला पंचकूला की प्रधान। 2018 से अब तक मोदी सरकार ने और जो स्टेट की सरकार है उन्होंने अब तक किसी भी जो हमारे इंसेंटिव बेस वर्कर है उनका कोई भी पेमेंट नहीं बढ़ाई, और कोरोना काल में आशा वर्करों ने इतना अच्छा काम किया जिसको कि ग्लोबल हेल्थ का अवार्ड भी दिया गया, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है और स्टेट के नेता है उन्होंने आज तक आशा वर्करों को कोई भी प्रोत्साहन राशि हमें नहीं दी। शाम से आए हैं हम लोग, चाय बागान में काम करता है, और चाय बागान का हिजरा इतना काम है कि हम लोग का परिवार नहीं चलता है, और कुछ भी मार्केट में खरीदने के लिए जाता है तो कितना ज़्यादा दाम है मार्केट में, कुछ भी खरीदने नहीं सकता है, और इतना कम दाम से हम लोग कैसा परिवार चलाएंगे। तेलंगाना स्टेट से आए हैं हम, आंगनबाड़ी टीचर है। आंगनबाड़ी टीचर को तो अलग तरह से समस्या है, क्योंकि रेगुलराइजेशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, यानी सैलरी भी ढंग के पूरा नहीं मिल रहा है। 8 घंटे काम जो है वो छूट जा रही है हमारे से, वो 12 घंटा 6 घंटा 13 घंटा वैसा काम लेने के लिए तैयार है फिल वक्त, वो बहुत मुसीबत है हमारे को। जो भी है 8 घंटा काम चलना चाहिए, हमारे को सुरक्षा चाहिए, हमारे को परमानेंट करना चाहिए, सहायिका को बहुत सारा कम सैलरी है उनको सैलरी मिलना चाहिए, ESA PF फैसिलिटीज भी देना चाहिए, रिटायरमेंट हो गए तो उनको पेंशन भी आधा सैलरी पेंशन करके भी देना चाहिए। हम लोग खोदाबनपुर से आए, गाय का घास करते हैं तो हमारा उचित दाम कितने लीटर पर होना चाहिए। 2000 को हमारे महीना में देते हैं सरकार, उससे बताइए जो हमारे 10 परिवार हैं चला सकते हैं। 31 रुपये लीटर ले रहे हैं तो हमें मरेंगे कि बचेंगे। जो सरकारी जमीन है वो सरकारी गरीबों के बीच वितरण होना चाहिए। 2000 रुपया से सरकार को मुआवजा छुट्टी नहीं मिलेगी, सरकार को भगाएंगे। अब बच्चों को मेरी बात सुनो, सड़क पे बिठाएं या नरेंद्र मोदी जी के इस रामलीला मैदान में बिठाएं या कहाँ बिठाएं, बताओ। पहले भी जो हमने आंदोलन किया है और हमने जीत प्राप्त किया, और हमें पूरा विश्वास है कि हम आंदोलन करेंगे तो अपनी जीत हासिल करेंगे, यहाँ से जीत के ही जाएंगे।